हेलो भाई साहब मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे। क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? अरे बोल तो दिया, बिना कागज के नहीं बनेगा। कागज तो है नहीं मेरे पास। अरे कितनी बार कहा है जब मैं दफ्तर में रहूँ तो फोन मत किया करो। अब क्या सांप सूंघ गया तुम्हें, बोलोगी नहीं? अरे भाई साहब काट के मिला लो, हो सकता है टावर ना आ रहे हो। ए ज्यादा बोला तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। हेलो हेलो, अरे जाओ मत बोल। अच्छा हाँ, अब क्या बोल रही हो फोन रखने के बाद? अरे यहाँ से नहीं, पीछे से आवाज आ रही है। हेलो की। अरे शिफॉन की साड़ी ठीक नहीं होती, मैं कह रही हूँ कि तुम कॉटन की साड़ी खरीद लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगी। मुंह नहीं दुखता इस औरत का, दिन भर फोन पे लगे रहो बस। जोर से बोलिए, हैं बिन बिना क्यों रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। क्या हो गया? फोन मेरा, बात मेरी, कर मैं रही हूँ, परेशानी दूसरी टेबल वालों को हो रही है। बात बिल्कुल सही है ये। खड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं हो पाएगा तेरा काम। एक मिनट आप चुप रहो। मैडम एक मिनट, फोन होल्ड पे करो। क्या है? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है आपका? हाँ जी है। आप पैदा कहाँ हुई थी? हॉस्पिटल में हुई थी, आसमान में थोड़ी ना होंगी। आपके पिताजी का सर्टिफिकेट? अरे क्यों बहस कर रहा है फालतू में? आप एक मिनट चुप रहिए, मैं आपसे तो बात कर नहीं रहा, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ ना, आप अपना काम करिए। पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट? अरे प्रभु उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट है। वो कहाँ पैदा हुए थे? वो भी अस्पताल में ही पैदा हुए थे, वो धरती के नीचे तो नहीं होंगे। पूरे खानदान में कोई घर में पैदा हुआ भी है कि नहीं? तेज आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए ये नौकरी नहीं ली है मैंने, और जिसके सामने बैठे हो उसी से सवाल करो, उसी से जवाब लो। बड़े आए। आप मेरी बात को ना समझे नहीं। तू समझा? क्या? यही कि यहाँ माथा पच्ची करने से कुछ नहीं होगा, ये अपना झोला झंडी उठा और अस्पताल में जाके एक कागज बनवा के ला जल्दी। अरे ये क्या कर दिया अधिकारी जी? क्या अधिकारी जी, ये मैंने थोड़ी किया है। हूँ क्या कर रही हो, ये पेट कैसे फूला है तुम्हारा? अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा? कहीं इसी शर्म में तो तबादला नहीं ले लिया अधिकारी जी आपने? अरे दो मिनट चुप रहेंगी आप या घर से चाबी भर के चलती हैं? और तुम मुंह में दही जमी है क्या, बोलती क्यों नहीं? अरे बेचारी पे चिल्ला कर रहे हो, एक तो उसे माँ बना दिया, थोड़े दिन में इसका बच्चा हो जाएगा, ऊपर से उसके ऊपर धौंस भर रहे हो। कहाँ हो रहा है बच्चा? अरे पेट फूला हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, बच्चा ही होगा। और नहीं तो क्या? अरे आप क्या बीच में मेंढक की तरह उछली जा रही है, फोन नहीं आ रहा क्या, बात कर लीजिए किसी से। अच्छा एक पूरे दफ्तर में गीता जी ही तो हैं जो फोन पे लगी रहती हैं। आपकी तो बीवी साक्षात आ जाती है दफ्तर में, उसका कुछ नहीं? दो बार से तो मैं देख चुका हूँ, जब आता हूँ परिवार के काम कर रहे हो तो यहाँ का काम खाक करोगे, एक तो बीवी पेट से है उसे ऑफिस तक दौड़ा रहे हो, ये नहीं है कि छुट्टी लेके घर बैठ जाओ। अरे तू अपने काम से काम रख। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम कहाँ कर रहे हो काम अपना, मेरे को चार चक्कर लगवा दिया, मेरा जीजा प्रधान है यहाँ का, कुर्सी ला दूंगा तुम्हारे यहाँ की। अरे ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे मार दिया थप्पड़? तो क्या पैसा देके मारूं तुझे? मैडम देख रहे हो, इतनी तो पुलिस वाले को छूट नहीं मिलती जितनी इसे मिली हुई है। तू देख मैं तेरे पे पुलिस केस करूंगा, औलाद का चेहरा देखने के लिए तरस जाएगा तू, औलाद भी तेरी ना जेल में मिलने आएगी, मैं पुलिस लेकर आता हूँ, तू देख अब तू जानता नहीं है कौन हूँ मैं, बता रहा हूँ तुझे। अरे अधिकारी जी ये क्या कर दिया आपने? अरे चुप रहिए आप कौन सी कम हो, आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती आप, बीवी को पेट से बता दिया, कहीं का आया हुआ आदमी इतना कुछ बोल के चला गया, किसकी वजह से? मेरी वजह से। और नहीं तो क्या, और तुम क्या बुद्ध बन के खड़ी हो, कुछ बोलोगी? अरे क्या बोलूं, अच्छा खासा मेरा मौन व्रत तुड़वा दिया ना, तुम ही तो रखते रहते हो पूरा दिन की लड़ाकू है, बहुत बोलती रहती है, मैंने सोचा आज मौन व्रत रख लेती हूँ, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुमसे तो मेरी चुप भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे सब छोड़ो, ये बताओ पेट कैसे फूला है? सब तुम्हारी गलती है। मैं तो पहले ही कह रही थी। अरे क्या पहले कह रही थी, ज्यादा पता है क्या आपको, चली पे मतलब की कहानियां गढ़ने। और तुम्हें खिलाने थे ना अधिकारियों को राजमा चावल, तुम उन्हें खिलाते ना, मुझे ठुसवाने की क्या जरूरत थी, अब देखो बन गई ना पेट में गैस, वहाँ मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही है तुम्हारी दूसरी औलाद के चक्कर में। तो तुम कह नहीं पा रही थी कि गैस है ये? अरे तो मेरा मौन व्रत था ना। आए दिन नया ड्रामा रहता है तुम्हारा तो। वैसे एक बात कहूँ अधिकारी जी, अधिकारियों को मक्खन लगाने से होगा कुछ नहीं, फिर बीच में कूद पड़ी आप। अरे तुम छोड़ो ना उसे, चलो मुझे लेके। आ रहा हूँ गैस निकलवा के, फिर निपटता हूँ आपसे। और ये मत सोचना कि नया ट्रांसफर हूँ तो आप हल्के में ले लोगी, जो रॉब पुराने दफ्तर में था वही यहाँ भी रहेगा। आता हूँ।